मटन फैट करी बनाने के लिए फैट ले लिया, मटन वाले के पास मिल जाता है और छोटे छोटे पीसेस में कट करके भी देते हैं वो। और अच्छे से धो के साफ कर लिया मैंने, ये 1 किलो है। और इसमें इंग्रेडिएंट चाहिए, मस्टर्ड ऑयल 1 कप मैंने ले लिया, 1 चम्मच हल्दी पाउडर, 1.5 चम्मच मिर्ची पाउडर, थोड़ा स्पाइसी बनता है ये, और गरम मसाला पाउडर 1 चम्मच, और मटन मसाला ले लिया मैंने 1 चम्मच, नमक ले लिया 1 चम्मच, 1/2 चम्मच धनिया पाउडर ले लिया। आलू भी डालते हैं इसमें, आप चाहो तो आलू नहीं भी डाल सकते हो, पर मैं डालूंगी। 2 आलू को मीडियम साइज का टुकड़ा कर लिया, तो थोड़ा इससे बड़ा साइज भी अच्छा लगता है, या छोटा नहीं चलता, थोड़ा मीडियम साइज ही अच्छा रहता है। और फ्रेश धनिया पत्ता ले लिया, और 2 मीडियम साइज के ऑनियन को रफली चॉप कर लिया, 4-5 ग्रीन चिली भी ले लिया, और 2 टमाटर को भी रफली चॉप कर लिया। और एक पेस्ट मसाला बनाएंगे हम, लहसुन ले लिया 6-7 कली, 1 इंच के अदरक को पतला पतला कट कर लिया, 4 कश्मीरी रेड चिली दिया अच्छे कलर के लिए, 1 ऑनियन को भी रफली चॉप कर लिया, 1 चम्मच जीरा, जीरा की बहुत जरूरत है इसमें, जीरा की फ्लेवर की। और छौंक लगाएंगे 1 तेज पत्ता, दालचीनी के 2 टुकड़े, 1 बड़ी इलायची, 4 छोटी इलायची, 1 चुटकी जीरा और 4 लौंग, और कुछ नहीं चाहिए। तो सबसे पहले गैस ऑन करेंगे और एक कढ़ाई में मस्टर्ड ऑयल डाल देंगे। मस्टर्ड ऑयल को पहले फुल फ्लेम में अच्छे से गर्म कर लेंगे। सबसे पहले मैं आलू को फ्राई कर लूंगी। तो आलू को अच्छे से गोल्डन कलर करके फ्राई करूंगी, बहुत मजेदार लगता है ये आलू ग्रेवी में। तो अच्छे से आलू फ्राई हो चुका है, आलू को अभी ऑयल से निकाल लेती हूँ। तो ऑयल तो गरम है ऑलरेडी, इसमें मैं डाल रही हूँ ये सारे खड़ा मसाला, हल्का सा भून लिया सारे मसाले को। अब मैं इसमें डाल दूंगी प्याज, अच्छे से फ्राई करूंगी ऑयल पे। तो ऑनियन जैसे हल्का सा फ्राई हो जाएगा, इसमें मैं डाल दूंगी अभी टमाटर, मिक्स करूंगी। टमाटर डालते ही मैं नमक डाल दूंगी, ताकि जल्दी जल्दी टमाटर और ऑनियन एक साथ एकदम सॉफ्ट हो जाए। ये है मम्मी वाला प्यार, नमक स्वाद अनुसार। नमक डाला मैंने 1 चम्मच भर के, और अच्छे से अभी फ्राई करूंगी जब तक ये दोनों सॉफ्ट ना हो जाए। जब तक ये दोनों फ्राई हो रहा है एक साथ सॉफ्ट होने तक, तब तक मैं पेस्ट मसाला बना लेती हूँ। मिक्सर जार में 4 हरी मिर्ची ले लूंगी, 1 ऑनियन, अदरक के टुकड़े, 4 कश्मीरी रेड चिली जो मैंने दिखाया था पहले ही क्या क्या लिया, और लहसुन और जीरा, 2 चम्मच पानी डाल के इन सब का मैं एकदम फाइन पेस्ट बनाऊंगी। तो ये बन गया है मेरा फाइन पेस्ट, और तब तक ये भी फ्राई हो चुका है अच्छे से। अब मैं डालूंगी ये मसाले का पेस्ट और मिक्स करूंगी। अभी मैं इसमें जो भी पाउडर मसाला लिया वो सब डाल दूंगी, हल्दी, गरम मसाला पाउडर, मटन मसाला पाउडर, धनिया पाउडर और रेड चिली पाउडर डाल के मिक्स करूंगी। तब तक अच्छे से मिक्स करके भून लूंगी। तो मसाला अच्छे से भून चुका है, मीडियम फ्लेम पे मैं 5-6 मिनट तक अच्छे से भून लिया। तो अब मैं इसमें डालूंगी पानी, ग्रेवी के हिसाब से पानी डालना है, ज़्यादा ग्रेवी नहीं होता इसमें, पर जो फैट है वो भी सोख लेता है। तो पानी को पहले हम अच्छे से उबाल लेंगे, उबाल के मैं डाल रही हूँ इसमें 2 कप पानी। मटन की कोई भी रेसिपी हो तो उसमें गर्म पानी डालेंगे तो बहुत अच्छा टेस्टी बनता है। अब मैं इसमें डाल दूंगी फ्राई किया हुआ आलू। आलू डालने के बाद आलू को भी मिक्स कर दिया, आलू भी अच्छे से बॉईल हो जाएगा, और साथ साथ अब मैं डाल दूंगी ये फैट। तो फैट डालने के बाद मिक्स कर दूंगी।
करने के बाद अब मैं इसको ढक के पकाऊंगी जब तक आलू भी अच्छे से बॉयल हो जाए और फैट भी सोख ले ग्रेवी को और जूसी जूसी बन जाए। तो मीडियम फ्लेम पे 7-8 मिनट से मैं पका रही हूँ, अब चेक भी करूंगी। तो ये बन गया है, एक एक जो फैट है ये फूल के डबल डबल हो जाता है, सॉफ्ट भी हो चुका है। अभी आलू भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। और ये जो फैट है ये भी एकदम सॉफ्ट हो चुका है। अब मैं इसमें डालूंगी फ्रेश धनिया पत्ता और एक ग्रीन चिली अच्छे फ्लेवर के लिए और थोड़ा सा जूलियन अदरक। अभी फुल फ्लेम में 2 मिनट पकाऊंगी ताकि सारा फ्लेवर फैट के साथ मिक्स हो जाए। उसके बाद मैं प्लेटिंग करूंगी। और एक बात बोलना चाहती हूँ, जब भी आप ये मटन फैट करी बनाओ तो हमेशा गर्मा गर्म खाना पड़ेगा। अगर बनाने के बाद आप आधे घंटे या 1 घंटे बाद साफ करोगे या खुद खाओगे तो भी इसको दोबारा गर्म करना पड़ेगा। जब हम गर्म करेंगे तभी ये सॉफ्ट होगा, नहीं तो ये थोड़ा थोड़ा सख्त हो जाएगा। तो बन गया है झटपट मटन फैट करी, स्पाइसी एंड ऑयली। प्लेटिंग भी मैंने कर लिया, थोड़ा जुलियन अदरक के साथ और धनिया पत्ता के साथ गार्निशिंग किया। तो झटपट बनाना, बना के खाना। एक बात का खाली ध्यान रखना कि जब ये खाओ एकदम गरम गरम, ठंडा होने के बाद इसका टेस्ट भी बिगड़ जाता है। तो जब भी आप सर्व करो और खाओ गरम गरम खाओ, पूरी के साथ पराठा के साथ बहुत अच्छा लगता है। फिर मुझे कमेंट में बताना कैसा था मेरा ये रेसिपी। मैं मिलूंगी फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए